Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming out this Eid al-Adha. So, go and book your tickets online from booking.pk. Now. Surprise! Happy anniversary, Baba! ये क्या कर रही हो यार तुम होश भी नहीं रहती हो क्या? तुमने ये नहीं पूछा कि मेरे हाथ पे चोट लगी है नहीं, लेकिन तुम मुझे डांट रहे हो वो भी आज के दिन। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम चाहती क्या हो। सुकून चाहती हूँ, सुकून। मुझे लगता है कि आप दोनों को अपनी जिंदगी के बारे में नहीं, अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। जाओ यहाँ से बाहर। जहर सूरत तलाक जी। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट के नजदीक तलाक एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं। मेरे जीते जी सनी तो मुझसे अलग नहीं होगा। अगर इन दोनों को साथ नहीं रहना तो आप मुझे प्लीज यतीम खाने भेज दें। केक बेक हो गया? हाँ, बस फाइनल टचअप्स रहते हैं। मामा जल्दी करें। अरे बाबा, केक है, चाय थोड़ी है। तुम बताओ, रूम की सेटिंग कहाँ तक पहुँची? सब कुछ तैयार कर लिया है? सब रेडी है। अच्छा चलो आओ जाके देखें। नहीं नहीं मामा, सरप्राइज है। अरे भाई, मुझसे कैसा सरप्राइज? मामा प्लीज, मुझे तो लगता है बाबा को मेरा सरप्राइज बहुत पसंद आएगा। अल्लाह करे उनको भी पसंद आ जाए। अच्छा बाबा का कार्ड तो चल के दिखा मुझे। जी बॉस, अब बेफिक्र मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। जी ओके ओके ओके, खुदा हाफिज़। तुम आ गए हो सारे? हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए था? नहीं, वो तुमने कहा था ना आज तुम जल्दी आओगे। क्यों, आज कोई खास बात है? हेलो बॉस, आप ही को ईमेल कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। मैं वही टाइप कर रहा था, भेज रहा हूँ। नहीं कुछ खास नहीं, तुम भूल गए हो? क्या भूल गए हो यार, ऑफिस में 101 काम होते हैं, देर से फिर हो जाती है। अगर तुमने कुछ नहीं पकाया तो ऑर्डर कर दो, तो बहुत थका हूँ, चेंज करता हूँ फिर खाते हैं। हेलो जी बॉस। कुछ आती नहीं। हेलो मिया जी, आज कोई गड़बड़ ना हो, बाबा के लिए बहुत मेहनत से सरप्राइज डिजाइन किया है। बस आज सुकून होकर फिर आज की शाम यादगार हो जाए।
दूसरी। थैंक यू। फिर से भूल गए। आई एम सो सॉरी, तुम्हें पता है ऑफिस की वजह से मैं कितना बिजी रहता हूँ, मीटिंग्स क्या कुछ, सॉरी याद नहीं रहा। आप दोनों की 10वीं एनिवर्सरी है, लेट्स सेलिब्रेट। मामा आप केक लेकर आए, आपने इतनी मेहनत से बनाया है। जी बॉस। बॉस आप बेफिक्र हैं, मैं उनको मेल कर दूंगा, मैं आपको कॉन्फर्मेशन आधे घंटे में दे रहा हूँ। बाबा आप है ना, ये मम्मा को दीजिएगा, देगा के सरप्राइज, आप भूले नहीं थे, सही मम्मा खुश हो जाएंगी। ओके। ये क्या कर रही हो यार तुम, टेबल भी तोड़ दी और प्लेट भी, मेरी मम्मी की प्लेट थी वो, तुम होश भी नहीं रहती हो क्या? तुमने ये नहीं पूछा कि मेरे हाथ पे चोट लगी है? नहीं, प्लेट टूट गई है, लेकिन तुम मुझे डांट रहे हो, वो भी आज के दिन। चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, कोई मुलाजिम नहीं हूं जो मुझ पे चिल्ला रही हो तुम। तो मैं भी तुम्हारी मुलाजिम नहीं, इतना चीख नहीं सकते मुझ पर। मैं फिर कह रहा हूं मुझसे बदतमीजी से बात मत करो, 10 साल से तुम्हारी ये बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। बदतमीजी मैं नहीं तुम कर, छोटी छोटी बातों पर इंसल्ट, ये तक नहीं देखते कि सनी खड़ा हुआ है यहाँ? ये छोटी सी बात है, वो मेरी मम्मी के जहेज की प्लेट थी, सब बर्बाद कर दिया तुमने। अच्छा तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सारी अरेंजमेंट तुमने की थी, याद तक तो था नहीं, सारा दिन मैं और सनी लगे रहे। बातें तो तुम इस तरह कर रही हो जिस तरह तुम्हें हर वक्त होश रहता है, लव मैरिज की थी ना हमने, सारे जमाने को छोड़ दिया था मैंने तुम्हारे लिए, इस बात तक का तुम्हें एहसास नहीं होता। लेकिन तुमने आज तक मुझे कोई इज्जत नहीं दी। इज्जत? तुम इज्जत की बात करते हो? जो मर्द अपनी बीवी की इज्जत ना कर सकते ना, वो इज्जत के काबिल ही नहीं है। Enough is enough! बाबा! उठाओ, एक हाथ उठाना ही बाकी बचा था, हाथ भी उठा लो, यही कर सकते हो तुम मर्द। Just shut up! सबसे बड़ी गलती मैंने की थी तुमसे शादी करके, तूने मना भी किया, लेकिन मैं थी ना पागल, तुम्हारे प्यार में मैं पागल हो गई थी कि मैंने तुमसे शादी की। से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आपने वही किया जो आप हमेशा करते हैं, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? आज तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज तो खुशी का दिन था। मैडम ये फूल आपके लिए। तुम भी कितने बड़े ड्रामे हो तनवीर, ये क्या हरकत है? भाई अपनी बीवी के लिए फूल लेके आया हूँ, तुम्हें फूल पसंद है ना तो ले लो। इस वक्त तुम्हें फूल की क्या पड़ी है? एक बच्चा बेच रहा था, मैंने खरीद ली, सोचा देखता हूँ कि ये फूल उसके पास ज्यादा अच्छा लगता है या। अच्छा थैंक यू, चलो अब बैठो, सब देख रहे हैं, देखो।
कोई बात नहीं, मैंने देखा ही नहीं, मेरी गलतियाँ दिखाओ। ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं जिंदगी में, रिलैक्स। ये बताओ कहाँ चलें? मेरे ख्याल में आप घर चलते हैं। इतनी खूबसूरत बीवी, इतना अच्छा मौसम है, ऐसे में घर चले? नहीं, बहुत बोर हो तुम, समंदर चलते हैं, वहीं पर ही खाना भी खा लेंगे। अच्छा बाबा चलो, गाड़ी में तो बैठ जाओ। ओके। सनी, सनी ऐसे क्यों बैठे हुए हो? नाश्ता नहीं करना? क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ सनी? क्या हुआ? उनसे बात तो करो। क्या हो गया सनी? क्या हुआ? अच्छा चलो नाश्ते की टेबल पे आ। मामा को चेंज करना है, मामा जल्दी से चेंज करके आती हैं। अच्छा फेवरेट ब्रेकफास्ट बना के देंगे। आ जाओ जल्दी से, मैं वेट कर रही हूँ। सारिम, सारिम, मैंने आपकी शर्ट निकाल के रखी है बाहर। जी मैडम, आपका नाश्ता। थैंक्स। कोई और खिदमत कर सकता हूँ मैं? कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ मुझे ऑफिस पे ड्रॉप कर दो और फिर वापसी में पिक भी कर लेना प्लीज। तुम मेरे साथ ऑफिस जा रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी दोस्त आ रही है, उसको कोई मशवरा चाहिए तुमसे। भूल गई, शायद आ ही रही होगी वो। तो एक बात बताओ, उसे लीगल मशवरा चाहिए तो उसे घर बुलाने की क्या जरूरत है, ऑफिस में बुलवा लेती। तुम्हें तो मालूम है ना मेरी फर्म में मशवरे की फीस इतनी ज्यादा है कि वो बेचारी यहाँ आ रही है। शायद आ गई है। देखो सनी क्या नाश्ता नहीं करा? वो डरा हुआ है, कमरे से बाहर नहीं निकल रहा। तो क्या स्कूल नहीं जाएगा? तुम्हारा घर पे ध्यान हो तो ही ना, एग्जाम है उसके, छुट्टी है। जी अस्सलाम वालेकुम बॉस। बॉस बस मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। आई नो आई एम रियली सॉरी। नो नो जी बॉस। हेलो हेलो, अगर तुम सिर्फ तमीज से बात करना सीख लो ना तो इस घर के आधे मसले सॉल्व हो जाए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम मुझसे तमीज से बात करते हो। वो तो बहस मत किया करो, तुम हर वक्त की बहस से तंग आ गया हूं मैं। तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं ऑफिस जा रहा हूं, सारा दिन मुझे वहां गुजारना होता है, 100 टेंशन है ऑफिस की, उन्हें संभालू या तुम्हें संभालू? इतनी दफा समझाया, कम से कम सनी के सामने तो तमीज से बात किया कर। सुमेरा आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं एक लॉयर हूं और रोज ऐसे केसेस देखती हूँ, डिवोर्स के केसेस, खुला के केसेस, चाइल्ड कस्टडी केसेस, लेकिन
मैं तलाक के हक में नहीं हूँ। लेकिन नादिया, मेरी जिंदगी अजीरन हो चुकी है, सुकून का एक पल मयसर नहीं है मुझे। आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो इस वक्त। तुम्हारी बेटी, उसका क्या होगा? देखो, एक औरत होने के नाते तुम्हें अपनी बेटी के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। मेरे अपने कोई ख्वाब नहीं है, कोई ख्वाहिशात नहीं है, मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। हम औरतें सिर्फ कुर्बानी देने के लिए पैदा हुई हैं। सब कुछ होता है और कभी कभार कुछ नहीं होता। देखो, अपने हक के लिए लड़ना और आवाज बुलंद करना एक अलग चीज होती है, लेकिन अपने हक के लिए अपने बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए डिस्टर्ब करना एक अलग चीज होती है। तो फिर मैं क्या करूं? सुमेरा जी, आप एक काम करें, अपने शोहर के साथ यहाँ आइए, मैं उनसे बात करूंगा। मुझे यकीन है कि नादिया और मैं उन्हें समझा सकेंगे। इस तरह चीजों का हल नहीं निकला करता, बातचीत होगी, आई एम श्योर कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगी, वरना ऐसे लड़ते रहेंगे तो सिर्फ नुकसान होगा और कुछ नहीं। चलें बच्चों, सिर्फ 15 मिनट हैं आपके पास, उसके बाद मैं टाइम नहीं दूंगी, पेपर ले लूंगी, जल्दी फिनिश करें। बेटा, पेपर करो। मैम, ये क्या है? मैम, सनी कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। 3 पेपर्स हो गए, 1 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किया। पहले मैं समझ रही थी कि शायद उसकी तैयारी नहीं है, पर ना बात करता है, ना किसी बात का जवाब देता है, बस चुप रहता है। और ये देखें, खाली पेपर देकर चला जाता है। कॉल द पेरेंट्स, हम उनसे बात करते हैं। ओके। तुम ऑफिस जा रहे हो? तुम्हें कल रात को बताया था, हमें सनी के स्कूल जाना है। मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है जो मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ, तुम चली जाओ। मैं चली जाऊँ? हाँ, कौन सा नहीं बात, हमेशा मैं ही तो जाती हूँ। तुम कौन सा कभी गए? घर की जिम्मेदारी तुम्हारी कोई चीज हो, सब कुछ मैंने ही तो पूरी करनी होती। तुम इतनी फजूल बातें क्यों करती? बगैर ताना दिए तुम्हारा खाना हजम नहीं होता क्या? तो कुछ गलत कहा है मैंने? तुमसे जो बात करो तो मुझे टेढ़े मुंह से जवाब देती है, हर सीधी बात का उल्टा जवाब आता है तुम्हारी तरफ से। तुम बात को ना कहीं से कहीं लेके जा रहे हो। सनी के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, दोनों पेरेंट्स है ना, हम दोनों ही जाएंगे, अकेले तो जा नहीं सकती मैं। ये स्कूल ही तो जा रहे हैं ना, तुम चली जाओ। ये घर के छोटे छोटे मामला देखो या अपने ऑफिस को देखो, मैं जाके छोटी सी चीज है पेरेंट टीचर मीटिंग, तुम जाके देख लो, तुम्हारा बेटा है। सनी मेरे अकेले का बेटा नहीं है, हम दोनों का बेटा है। सनी की जिम्मेदारी हम दोनों पे,
तुम्हें जल्दी बच्चा चाहिए था। तुम्हारी वजह से मैंने नौकरी छोड़ दी, अपना करियर तबाह कर दिया और अब घर में बैठी हुई हूँ। मेरा दिमाग खराब मत करो हानिया, तुम्हें मैंने किसी किस्म की कोई कमी नहीं होने दी। सनी की फीस हो, उस घर का खर्चा हो या तुम्हारी शॉपिंग के पैसे हो, तुम तो अपनी लैविश लाइफ जी रही हो। तुम्हें क्या पता मैं अपने ऑफिस जाके क्या कर रहा हूँ, मेरी जॉब किस तरह चल रही है। तुम तो मुतमईन हो, तुम तो सुकून में हो। मुझे तो लगता है तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। सबसे बड़ी गलती मैंने की, अपने बाप को नाराज किया और शादी की तुमसे। जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है तुम्हारी नहीं, घर पे मैं बैठी हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही है ये बात। मुझसे तमीज से बात करो, मैं तुमसे 100 दफा कह चुका हूँ। तुम्हें जरा भी अंदाजा, करी जॉब मेरे हाथ से चली गई तो ये घर कैसे चलेगा, इसकी स्कूल की फीस कहाँ से जाएगी। तुम्हें घर चला नहीं सकते, तो मुझसे नौकरी क्यों छुड़वाई थी तुम। शट अप। हेलो जी बॉस। हैट तेल आ गया। वेडिंग हेलो दोस्त। आओ सनी यार, हमारे साथ खेलो, बहुत मजा आ रहा है। छोड़ो यार सनी, लिफ्ट ही नहीं करा रहा। हाँ यार अपन ही करते हैं। तेल सनी, मुझे क्यों नहीं बता रहे हो कि क्या हुआ, प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया है। शुक्र है कभी तो फोन कर लेते हो मुझे। जिस दिन तुम बदतमीजी नहीं करती हो ना, उस दिन मुझे हैरत होती है कि आज क्यों नहीं की बदतमीजी। क्यों फोन किया तुमने? ये पूछने के लिए फोन किया। तुमने वो सनी के स्कूल में मीटिंग करने चली गई थी, क्या कहा मैम ने? वेटिंग में खड़ी, पेरेंट्स मीटिंग थी ना, मदर्स मीटिंग तो नहीं थी। वैसे बता दो उनको, कह देती हूँ कि बच्चे का बाप नहीं। तुम फिर शुरू हो गई, एक यही खामी है तुम्हारी। और तुम दुनिया में मुझे मेरी खामियां बताने के लिए आए, और कोई काम नहीं है तुम्हें, इसलिए फोन किया था। नहीं तो तुम जाओ ना अपनी मीटिंग और अपने बॉस के पास, वैसे ही वो इम्पोर्टेंट है, बीवी और बच्चा तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं तुम्हारे लिए। मैंने फोन इसलिए किया था कि तुम मीटिंग में जाके बात शुरू करो, मैं बस पहुंच रहा हूं, थोड़ा ट्रैफिक रास्ते में। जरूरत नहीं है हमें तुम्हारी, वैसे भी मैं और सनी आदत डाल रहे हैं तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने की। हेलो मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक बच्चा अगर पढ़ाई में वीक हो तो उसे बेहतर किया जा सकता है, लेकिन आपके बच्चे ने तो पूरे पेपर्स में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, ब्लैंक पेपर दे दिया मुझे और पूछा तो कोई जवाब भी नहीं दे रहा, बस खामोशी से देखता रहता है। आई थिंक कि उसके साथ कोई साइकोलॉजिकल इशू है। आपको चेक करना चाहिए, पूछना चाहिए उससे कि क्या प्रॉब्लम है उसको, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों हो गया और अचानक से क्यों चेंज हो गया इसका। मैं भी कुछ पूछती हूँ तो जवाब नहीं देता। I'm really sorry ma'am, मुझे देर हो गई, actually traffic बहुत था। Excuse me. आ गए हो तुम? मीटिंग नहीं थी तुम्हारी, वही रह जाते। सनी के साथ मसला क्या है? ओह अच्छा, बाप बनने की एक्टिंग कर रहे हो, मेरी बात सुनो, save it for the home। चुप रहो यार। मैं क्यों चुप रहूँ, तुम क्यों नहीं चुप रहे हो? सनी तुम्हारा भी बेटा है। मेरे अकेले का बेटा नहीं है, घर संभाल रहे हो, तुम्हारे बच्चे को संभाल रहे हो। मतलब बच्चे को संभालो, तुम सारा दिन घर में करती क्यों, छोटा सा काम नहीं कर सकती, उसकी पढ़ाई देख लो, देख लो वो होमवर्क क्या कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, इस तरह से बात नहीं कर सकते, तमीज से बात करो। तमीज से तुम बात करो, मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है उनसे बात करने के लिए, यहाँ तमाशा मत बनाओ। एक्सक्यूज मी। जी मैम। मुझे समझ आ गई है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आप दोनों हैं इस बच्चे के लिए, आपके इस बिहेवियर की वजह से उसकी हालत है। आप लोग प्लीज अपने आप को ठीक करें, बच्चा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। यू मे गो नाउ और प्लीज टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। जी थैंक यू। थैंक यू। यू वेलकम। हमें खुद को बदलना होगा।
मैं मानता हूँ मुझसे बहुत गलती हुई है, अब मैं घर को ज्यादा टाइम दूंगा, तुम्हें, सनी को। मुझे लगता था मैं काम में बहुत ज्यादा जत के हूँ, टाइम ही नहीं था मेरे पास तुम लोगों के लिए। सारी गलती मेरी है। तुम्हारी ही है। इसीलिए तो कह रहा हूँ सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। I want this to work. You should. तो इसीलिए फिर आज ये फोन ऑफ और आज का दिन फैमिली डे। Good. Sounds like a plan. Come. याद है पहले कितना पार्क आते थे? अब फिर तुम बहुत बिजी हो गए। चलो आ जाओ सनी, बाय बाय कर दो दोस्तों को। आ जाओ। बस बस बस, क्यों शोर मचाया हुआ है इतना? कढ़ाई बनाई है मैंने अभी गरम गरम, और पराठे अपने हाथ से। वाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मम्मा मीठे में क्या है? पहले ये तो खत्म करो, पापा के साथ बाहर जाएंगे हम लोग। हाँ मीठा खाने हम लोग बाहर जाएंगे, मैं तो फालूदा खाऊंगा और तुम? खा लूंगी फालूदा। हम लोग जाएंगे बाहर फालूदा खाने, ठीक है? खाना तुम सर्व करोगी या मैं करूँ? खुद भी तो कुछ करो, चलो डाल के तो। ओके। ये तुम्हारा और ये मामा की प्लेट पे। इतना ज्यादा नहीं खाऊंगी, टाइट पे हूं। चलो ना जल्दी करो। नहीं पहले तो मैं तुम्हारी प्लेट। खुश। स्टॉप कर लो। पराठे की स्मेल तो बहुत अच्छी है। थैंक यू। अब खा के देखते हैं कि है कितने मजे का। I'm so sorry. Sorry यार। किस बात पे? पूरा आधा घंटा लेट आई हूँ, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा मेरे ऊपर? बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और बीवी होने की वजह से तुम्हारे मुझ पे बहुत सारे हुकूक हैं, और उन हुकूक की वजह से अगर मुझे सारी जिंदगी भी तुम्हारा इंतजार करना पड़े तो मैं करूँगा। मैं कभी कभार सोचती हूँ कि कितनी लकी हूँ मैं, तुम कितने केयरिंग हो, कितने अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें कितना तंग करती हूँ फिर भी तुम्हारे माथे पे बल कभी नहीं। इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत एक्सप्रेस करने का नाम नहीं है, बल्कि इसमें बुराई अच्छाई ये सारी चीजें शामिल होती हैं। बुरी चीजों को बर्दाश्त करना पड़ता है और अच्छी चीजों को एंजॉय करना पड़ता है। समझ आ रही है मेरी बात? और इसी बात पे मेरी बहुत ही खूबसूरत बीवी के लिए फूल। फिर से थैंक यू। खाना बाहर खाएं? हाँ मैं भी यही सोच रही थी, कहाँ चलें? फिर से चलो भाई समंदर में खाना खाते हैं। पानी देना। दे रही हूँ। अरे क्या हो गया तुम्हें, दिखाई नहीं दे रहा, जान नहीं आ तुम्हें? तो तुम भी तो अपने फोन पे लगे हुए हो, तो तुम्हें बात तक करने की तमीज नहीं है। अब अपना खाना पूरा खाओ। ओके okay?
ये लीजिए मैडम, आपकी गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू। एक तुम हो और एक वो शख्स है जिससे मेरी दोस्त की वाकई जिंदगी खराब करती है। सुमेरा वाले केस की बात कर रही हो? हाँ, सुमेरा ठीक कह रही थी। पता है, वो आदमी वाकई बहुत बुरा आदमी है। शुक्र है तुम दूसरे मर्दों की तरह नहीं हो। क्या मतलब? मतलब कि अगर तुम दूसरे मर्दों की तरह होते, रोब झाड़ते, बदतमीजी करते, मुझे घर पे बिठा देते, तो बहुत मुश्किल हो जाती मेरे लिए। तुम मेरी तरह हो, सीधे साधे, मासूम, प्यार करने वाले। और अगर ऐसा ना होता तो फिर मैं तुम्हारा सर तोड़ देती और वो हशर करती हो तुम याद करते। अच्छा, ये बात है तो ठीक है, कल से मैं दूसरे मर्दों की तरह बन के दिखाऊंगा। अच्छा, वाकई? हाँ, कल से मैं काम पे जाऊंगा, तुम नहीं जाओगी, घर पे रहोगी, 3-4 बच्चे होंगे, मैं कमा कर लाऊंगा, तुम मेरी खिदमत करोगी, समझी? पांव दबाओगी मेरे? ये पैर दबाऊंगी? मैं तुम्हारा गला ना दबा दूं? आइंदा ऐसी बात की तो जान से मार दूंगी। मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। कॉफी? तुमने मुझे प्रॉमिस किया, तुमने सनी के सामने फिर से मेरी इंसल्ट की, तभी तो अपने वादे को पूरा कर दिया। हानिया, मैं तुमसे पहले 100 दफा कह चुका हूं, मुझसे बहस मत करो, जाओ यहां से। लेकिन सारे मैं For God's sake, यार चुप हो जाओ। मैं तुमसे किस जबान में को मेरा खून मत खोलाया करो, मत किया करो मुझसे बहस। मैं चुप नहीं रहूंगी, मेरा बच्चा साइकोलॉजिकल तौर पे बीमार हो रहा है। मैं खराब करूं उसकी नफ्सियत या तुम कर रही हो? मैं नहीं कर रही, तुम कर रहे हो। और अगर घर का यही माहौल रहा तो मेरा बेटा नॉर्मल नहीं रहे, उसके बारे में तो सोचो। हनी, मुझे तो लगने लगा है बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, पिछले 10 साल में हम लोग इतना करीब नहीं है जितना दूर हो गए। मुझे तो लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए। अच्छा तो आजाद कर दो ना मुझे, तलाक क्यों नहीं दे देते? तलाक दे दो। दे दूंगा तुम्हें तलाक, कर दूंगा तुम्हारा फैसला। कहाँ जा रही हो? सनी को लेने जा रही हूँ, उसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। सनी को तो हाथ भी मत लगा रहा, तुम्हें जहां जाना है अकेली जाओ। तुम मुझे रोक नहीं सकते उसको कहीं पे लेके जाने से। सनी मेरा बेटा है, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, ताल्लुक जो है ना वो तुम्हें कोर्ट में लेके जाकर मैं पूछूंगा। अरे तुम कोर्ट जाओ या जहन्नम में, मैं भी देखता हूँ तुम सनी को यहां से लेके कैसे जाती हो। देखो हनी, मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, इस वक्त बात को मत पढ़ा, ये बात यहीं खत्म करो, जा जाके सोचो। ठीक है, अभी तो जा रही हूं, लेकिन वादा करती हूँ तुमसे, मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर जा कर तुम्हारे पास कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे लगता है कि आप दोनों को अपनी जिंदगी के बारे में नहीं, अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। मैं अपने बच्चे को खुद बेहतर फ्यूचर, मैं अपने बच्चे को उस घर में नहीं रख सकती। अगर वो उस घर में रहा तो मेंटली तौर पे बीमार हो जाएगा, लड़ाइयों के अलावा उस घर में है ही क्या। ये एक बहुत मुश्किल फैसला है, एक बार फिर सोच लो। अच्छी तरह सोच चुकी हूँ, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए, कुछ नहीं। आपको अपना बेटा मिल जाएगा, इसके लिए आपको एक चाइल्ड कस्टडी केस फाइल करना पड़ेगा, लेकिन वो भी सिर्फ इस सूरत में जब मियां और बीवी के बीच में अलहदगी हो चुकी हो। अलहदगी तो हो गई, उसने तो मुझे घर से निकाल दिया।
बच्चा और क्या बचता है, बच्चा तो मैं ही लेकर आऊंगी, बच्चा मेरे पास ही आएगा। देखो हानिया, मैं तुम्हें एक बार फिर कहूंगी, अगर तुम्हारा घर टूटा नहीं है तो इसे तोड़ो मत। अपनी पूरी पूरी कोशिश करो कि तुम्हारा घर बच जाए। औरत सिर्फ घर बसाती नहीं है, बचाती भी है। वरना मर्द का क्या है, वो तो एक चुटकी में दूसरी शादी कर लेता है। मैं किसी सूरत उस शख्स के साथ नहीं रह सकती, उसने मुझसे बात खत्म कर दी, मुझे घर से निकाल दिया, मतलब रिश्ता खत्म हो गया। जिस घर में मेरी इज्जत नहीं, जिस शख्स मेरी इज्जत नहीं कर सकता, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। और मुझे हर सूरत तलाक चाहिए। तलाक औरत के लिए गाली होती है। और खुला तो उसका हक है ना। ये रहा आपका गर्मा गर्म ऑमलेट, चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। बाबा मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना यार, मैंने अपने हाथों से बनाया तुम्हारे लिए। बस बाबा भूख नहीं लग रही। सही, बिना वजह की जिद अच्छी बात थोड़ी होती। तुम्हारी मम्मी अभी आ जाएंगी, आप फिर उनसे लड़ेंगे। यार मैं कब लड़ू, आपका नाम सारिम सिद्दीकी है जी। हानिया सारिम के वकील ने आपके लिए नोटिस भेजा है। खुला नामा, क्या हुआ बाबा, आप इतना डिस्टर्ब क्यों हैं? सब ठीक है? नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। मम्मा, कैसे हो? ठीक। तुम्हारा मोहब्बत नामा मिल गया मुझे।